हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए लाई हूँ साबूदाना और आलू उसकी खिचड़ी, जो उपवास में हम खाते हैं फास्ट में, वो कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी आपको दिखाती हूँ। तो इसमें हम 2 चम्मच तेल डालेंगे, इसको गरम होने देते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, हमारा तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ा हम डालेंगे करी पत्ता, 2 मिर्च मैंने काट के रखी है वो डाल देंगे, और अब हम इसमें डालेंगे आलू। 2 आलू मैंने काट के रखे थे वो डाल देते हैं। हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच से थोड़ा कम नमक डालेंगे। गैस में स्लो कर देती हूँ। अब हम एक थाली इसके ऊपर ढक देंगे और उसके ऊपर पानी डालेंगे, ताकि ये जो पानी से जो बाफ बनेगा, स्टीम बनेगा, वो पानी अंदर जाएगा, और गैस हमें स्लो रखना है, और जो स्टीम से हमारा आलू पक भी जाएगा और जलेगा भी नहीं। तो 10 मिनट इसको पकने देते हैं। 10 मिनट हो चुकी है, हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी आलू की भाजी पक गई है कि नहीं। भाजी आलू आलू हमारे पक गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये साबूदाना, जो मैंने 3-4 घंटे के लिए भिगा के रखा था। और अभी पानी का पार्ट है वो हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम बिना पानी के ही इसको स्लो गैस पे वापस 2-3 मिनट पकने देते हैं। तो फ्रेंड्स, 2 मिनट हो चुकी है, अब हम देख लेते हैं हमारी, देखिए साबूदाना और आलू दोनों पक गए। थोड़ा साबूदाना को भी पकाना जरूरी है, कच्चा कच्चा अच्छा नहीं लगेगा। सिंग का पाउडर, जो ग्राउंड नट जो होता है सिंग, उसको सेक के उसका पाउडर बना के रेडी रखा है, वो मैं डाल देती हूँ। और हरी धनिया भी डाल देती हूँ। ये जो सिंग दाना है और साबूदाना है, वो हम पूरा पानी सोख लेंगे, बाद में मैं आपको सर्व करके भी दिखाती हूँ। तो मैं 2 मिनट इसको ढक के रखती हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, 2-3 मिनट मैंने ये ठंडा होने रखा था। अब हम चेक कर लेते हैं हमारी साबूदाना की खिचड़ी कैसी बनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए साबूदाना, तो आपको टेस्ट में अच्छी लगेगी। वाइट साबूदाना है ना, वो आपको टेस्ट में कच्चापन आएगा। अब मैं इसको थोड़ा धनिया और गार्निश कर देती हूँ, और अभी मैं आपको प्लेट में भी निकाल के सर्व करके दिखाती हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, मैंने साबूदाने की खिचड़ी इसमें निकाल के रख दी है, और उसके साथ हम ये उपवास का चिवड़ा लेते हैं।
ये मरी वेफर जो बनाना वेफर है वो लेते हैं और दही भी लेते हैं और इसके ऊपर भी हम थोड़ी ये जो आलू स्टिक है पोटैटो स्टिक वो और थोड़ा धनिया डाल के डेकोरेट कर लेते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स अब बताइए आपको साबूदाना की खिचड़ी की रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।